नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्कैफोल्ड कपलर्स का जो कैपेसिटी है उसके बारे में है। तो सबसे पहले जो स्कैफोल्ड कपलर्स है ये कौन से स्टैंडर्ड के होने चाहिए, तो उसके लिए मतलब अभी जो लेटेस्ट मार्केट में है NASC UK TG20 टेक्निकल गाइडलाइन, तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। या हमारा जो और एक स्टैंडर्ड है BS 12810 और 12811, तो उसके अंदर में या OSHA का जो सब पार्ट यल है 29 CFR कोड फेडरल रजिस्ट्रेशन 1926 उसके अंदर में भी दिया हुआ है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर में दिया हुआ है। तो अभी हम लोग जो स्कैफोल्ड कपलर्स है उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड के होने चाहिए, उसके ऊपर क्या कोड रहता है उसके बारे में देखेंगे। तो जो स्कैफोल्ड कपलर्स है उसके ऊपर में एक तो BS 11139 मिलेगा आपको लिखा हुआ, नहीं तो EN 74। ये BS मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड, EN मतलब यूरोपियन नेशन का जो स्पेसिफिकेशन है। तो अभी क्या होता है कभी कभी ये दोनों को एक साथ लिया जाता है, आपने कई कई कपलर के ऊपर देखा होगा BS EN 11139 या ऐसे भी देखा होगा BS EN 74। तो ये तो क्या होता है कभी कभी ये जो दोनों स्टैंडर्ड है या दोनों का जो स्पेसिफिकेशन है तो वो क्या है कभी कभी साथ मिल के करते हैं या कभी कभी दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अगर सेपरेट हो जाते हैं तो वो टाइम में ये कोड मिलता है अलग अलग, अगर साथ होते हैं तो ये, नहीं तो ये वाला कोड हमको मिलता है या हम लोग को दिखाई देता है कोई भी कपलर्स के ऊपर। तो अभी हम लोग देखते हैं स्कैफोल्ड कपलर्स, अभी ये तो इसका स्टैंडर्ड बताया कौन सा रहेगा। एक तो रहेगा हमारा BS 11139, नहीं तो रहेगा हमारा EN 74। तो अभी स्कैफोल्ड कपलर देखते हैं। एक है राइट एंगल कपलर, ये दो क्लास का रहता है, एक तो क्लास ए और क्लास बी। ओके, तो इसका जो कैपेसिटी रहता है क्लास ए में 6.1 KN, अगर हम लोग केजी में देखेंगे तो 610 KG तक आता है, KN को कन्वर्ट करके देखेंगे। और क्लास बी में अगर देखेंगे तो ये रहता है 9.1 KN किलो न्यूटन, और इधर में केजी में भी देखेंगे 910 KG आएगा अपना। तो ये है राइट एंगल जो कपलर है या फिक्स कपलर है बोलते हैं, उसका कैपेसिटी क्लास ए में है 6.1 मतलब 610 KG और क्लास बी में है 910 KG। तो ये फिक्स कपलर का कैपेसिटी। अभी ये कैपेसिटी जो रहता है वो रहता है स्लीप, मतलब वो कितना लोड देने के बाद सेफ वर्किंग लोड उसके ऊपर हम लोग कितना तक दे सकते हैं, वो उसका ये जो कैपेसिटी है ये स्लीप कैपेसिटी है, तो ये ध्यान रखना है हम लोगों। सेकेंड है वो स्विवल, इसका भी सेम कैपेसिटी है, क्लास ए में है 6.1 KN मतलब 610 KG और इसका क्लास बी में है 9.1 KN और 910 KG तक आता है। तो अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये जो है हमारा NASC TG20 का जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से, या CISRF कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्कैफोल्डिंग रिकॉर्ड स्कीम है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, या आप OSHA के हिसाब से भी देखेंगे लेकिन OSHA के जल्दी जल्दी अपडेट होता नहीं, इसके लिए अभी ये लेटेस्ट अभी मार्केट में है उसी का जो रेफरेंस है हमने लिया हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। तो ये है क्लास ए में और ये क्लास बी में स्विवल कपलर का जो है कैपेसिटी है। अभी जो थर्ड जो कपलर है हम लेते हैं जो है सिंगल कपलर, सिंगल कपलर का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत कम रहता है, उसको हम लोगों को लोड के लिए यूज नहीं करना है, जस्ट किसी भी जगह पे हमारा जैसे कि ट्रांसफॉर्म रहता है जो इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्म उसको जस्ट होल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो उसका जो कैपेसिटी है वो है 0.63 KN मतलब बहुत ही कम रहता है, 63 KG तक बोल सकते हैं इतना ही इसका कैपेसिटी है। इसके लिए इसको लोड के लिए लगाने के लिए या जहाँ पर भी हमारा स्कैफोल्डिंग का लोड आएगा वहाँ पे लगाने के लिए सिंगल कपलर को मना किया जाता है, क्योंकि 63 KG का अगर कैपेसिटी है तो आप अगर देखेंगे तो अगर कंस्ट्रक्शन में या जहाँ पर भी हम लोग स्कैफोल्डिंग बनाते हैं वहाँ पर उसके ऊपर आदमी चला जाता है या कोई भी
हमारा मटेरियल रहता है, तो इतना अगर लोड है वो ले नहीं सकता। इसके लिए जस्ट इसको क्या है, होल्ड करने के लिए जो इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्म रहता है तो यहाँ पे ऐसा लगाया जाता है। तो इसका एक कैपेसिटी है, इसमें ए क्लास बी क्लास ऐसा कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसका एक सेम है, इससे ज़्यादा इसका कैपेसिटी नहीं रहता है। जो अभी फोर्थ कपलर है उसमें है एक्सटर्नल स्लीव कपलर, या इसको बॉक्स कपलर भी बोलते हैं, बॉक्स कपलर। तो इसका जो कैपेसिटी है इसमें भी जैसे कि हमने देखा क्लास ए और क्लास बी। अभी ये क्लास ए और बी मैंने पहले ही बताया है आपको, वो कपलर के ऊपर में ही लिखा रहता है, उसी के हिसाब से हम लोग को पता चलेगा कि ये क्लास ए का है कि क्लास बी का है। तो ये जो एक्सटर्नल कपलर है या बॉक्स कपलर है उसका जो क्लास ए में जो कैपेसिटी है वो 3.6 kN, मतलब 360 kg आता है। या अगर क्लास बी में हम लोग देखेंगे तो क्लास बी में ये 5.5 kN, मतलब 550 kg तक इसका जो है कैपेसिटी रहता है। अभी हमने ये जो कैपेसिटी देखा है इसका, ये जो कैपेसिटी है इसका ये स्लिप कैपेसिटी नहीं रहता है, जो स्लिप या सेफ वर्किंग लोड है। लेकिन क्या है, ये जो एक टेंशन है इसको क्या है, एक तो आप हॉरिजेंटल में इसको जॉइंट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं या वर्टिकल में इसको हम लोग ऐसा जॉइंट बॉक्स को यूज़ करते हैं। तो इसका जो ये जो टेंशन है, मतलब इसके ऊपर में कितना लोड आएगा उसका ये कैपेसिटी है। अगर हमने फिक्स कपलर का देखा तो ये स्लिप का जो है कैपेसिटी या सेफ वर्किंग लोड देखा, तो वैसे ही इसका जो है वो टेंशन, मतलब कितना लोड दे सकते हैं इसको हॉरिजेंटली या वर्टिकली, तो उससे टेंशन में आ जाएगा इसका, ये टेंशन का कैपेसिटी है इसका। तो अभी उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो फिफ्थ कपलर है बीम कपलर। ये जो बीम कपलर है इसका अलग अलग कैपेसिटी है, जैसे कि आप देखेंगे ये अगर बीम कपलर है तो इसका अलग अलग कैपेसिटी है। इसका जो होल्ड, ये तो कहीं पर भी हमको यूज करना है वहां पर पियर में ही करना है, मतलब दो रहेंगे तो ही करना है साथ में यूज, इसका सिंगल में कोई कैपेसिटी नहीं होता है। तो दोनों का जो होल्ड कैपेसिटी है वो 30 kN है, मतलब 3 टन, मतलब 3000 kg भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पर है होल्ड कैपेसिटी, ये इतना टन जो है, 3 टन जो लोड है वो होल्ड कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, बाकी क्लैंप तो इतना दिखाने का जरूरत नहीं है। फिर भी जैसे कि अभी ये कोई बीम है, बीम के अंदर में इसको हमने लगा दिया और ये जो बोल्ट है ये टाइट कर दिया फुल, दोनों साइड से ऐसे लगाएंगे तो ये जो है या ये जो कैपेसिटी है इसको, ये होल्ड कैपेसिटी इसका, ये इतना सेफ वर्किंग लोड है इसका, ये होल्ड इतना टन कर सकता है, 3 टन तक लोड को होल्ड कर सकता है या ले सकता है ये। अभी इसमें जो दूसरा कैपेसिटी है इसका जो है स्लिप कैपेसिटी, तो ये जो स्लिप कैपेसिटी कैसे रहता है, जैसे कि कोई वर्टिकल ऐसा बीम गया है तो उसमें भी कई कई हम लोग ऐसा जो कपलर लगा के इसको टाइट करते हैं। तो जैसे कि हमने ऐसा हॉरिजेंटली इसको होल्ड करने के लिए लगाया था ट्यूबलर के साथ, यहां से ट्यूबलर जाएगा हमारा, तो वैसे ऐसे वर्टिकल में हम लोग जब लगाते हैं इसको तो इसका जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, तभी इसका जो कैपेसिटी पियर में ही है, मतलब दो अगर क्लैंप लगाते हैं कपलर लगाते हैं, अगर दो अगर कपलर लगाते हैं तो इसका जो कैपेसिटी है वो 2 टन ही आएगा। आप ये कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पुराना अगर स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर या फोरमैन आप देखेंगे कहीं पर भी जो कपलर लगाते हैं उसके बाद उसके नीचे और एक कपलर लगाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है ये जो कैपेसिटी ये बढ़ जाता है। अगर हम लोग एक 3 टन के हिसाब से चलेंगे तो ये अगर ऐसा वर्टिकली अगर लगाएंगे इसमें तो ये 2 टन तक ही लोड ले लेगा पियर में, लेकिन अगर हम लोग इसके नीचे और अगर ये कपलर लगाया हमने ये जो बीम के साथ, दूसरा अगर इसके नीचे लगाएंगे तो इसका कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। अभी इसमें जो है तीसरा कैपेसिटी है वो है ये जो कपलर देख रहे हैं आप, जहाँ से हम लोग जो ट्यूब होल्ड करते हैं, यहाँ पर भी इसका जो है स्लिप कैपेसिटी आएगा। तो ये जो कैपेसिटी है वो सेम हमारा जो क्लास बी का जो कपलर है 9.1 kN, 910 kg। तो ये इसका अलग अलग 3 कैपेसिटी है, एक है इसका होल्ड हॉरिजेंटली होल्ड कैपेसिटी, जैसे कि हॉरिजेंटली होल्ड कैपेसिटी,
दूसरा इसका स्लिप कैपेसिटी वर्टिकल में है, और तीसरा जो है हॉरिजेंटली इसका जो स्लिप कैपेसिटी है जहाँ से हम लोग ट्यूब लगाने वाले हैं वो सेम 910 केजी तक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो बीम कपलर है ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट कपलर है हमारा जो स्कैफोल्डिंग फील्ड में, तो ये चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। और बीम कपलर पियर में ही लगाना है, कहीं पर भी हमको सिंगल में यूज़ नहीं करना है। उसके बाद जो लैडर कपलर है ये तो हम लोग जस्ट लैडर को सिक्योर करने के लिए, होल्ड करने के लिए लगाते हैं, इसके लिए इसका कोई कैपेसिटी नहीं है। तो ए बी कपलर हमारा 11BS1139 या EN74 का या BS EN74 में ही आता है। तो उसके बाद जो लास्ट कपलर बचा है वो है हमारा BRC बोर्ड रिटेनिंग क्लैंप। तो ये जो BRC क्लैंप है वो खाली वो जो है सिर्फ हमारा जो बोर्ड है उसको टाइट करने के लिए या होल्ड करने के लिए उसको यूज किया जाता है। ये है आज का हमारा टॉपिक स्कैफोल्ड कपलर्स। एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग, तो आज का टॉपिक था स्कैफोल्ड कपलर्स और उसका कैपेसिटी। जो स्कैफोल्ड का जो स्टैंडर्ड है, स्कैफोल्ड कपलर का जो स्टैंडर्ड है क्या बताया, BS1139 या EN74 या इसके ऊपर आप ऐसे भी देखेंगे BS EN74 या 11139 जो भी है। उसके बाद दूसरा चीज हमने इसमें देखा क्लास ए और क्लास बी। तो वो जो है क्लास ए क्लास बी वो कपलर के ऊपर ही लिखा रहता है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए इजी रहता है। तो एक बार कोई भी आप अगर कपलर उठा के देखेंगे तो उसके ऊपर ही क्लास ए और क्लास बी लिखा रहेगा। उसके बाद में हमने एक कैपेसिटी देखा फिक्स कपलर का जो है, उसके बाद स्विवल कपलर का देखा, उसके बाद सिंगल कपलर, एक्सटर्नल स्लीव कपलर का, बीम कपलर का और लैडर और BRC का। तो आज का ये जो टॉपिक था स्कैफोल्ड कपलर्स का जो कैपेसिटी है, स्कैफोल्ड कपलर्स और जो क्लैंप का जो कैपेसिटी, जो मैं बता रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं मेरे पास रेफरेंस है। एक तो आपको अगर ये सब लिखा हुआ कहाँ पर है ये अगर देखना है तो आपको मैं स्पेशली बताता हूँ, अगर कोई सेफ्टी ऑफिसर या स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर है, स्कैफोल्डर को तो इतना ज़रूरत नहीं रहता है, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर या स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर या स्कैफोल्ड सुपरवाइजर अगर ऐसे कोई पोस्ट पे काम कर रहा है तो स्पेशली आपको अगर ये कहाँ पे लिखा है ये सब चीज़ ये अगर देखना है तो आप अगर लेटेस्ट में अगर देखेंगे तो NASC UK TG20 ये जो गाइडलाइन है हमारे ट्यूब फिटिंग कपलर के लिए, ट्यूब फिटिंग स्कैफोल्ड के लिए, उसके अंदर में ही ये सब पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टैंडर्ड है BS12810 और BS12811 ये भी हमारा स्कैफोल्डिंग के लिए स्टैंडर्ड है, इसके अंदर में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन क्या है अगर आप TG20 का अगर देखेंगे वो समझने के लिए बहुत ईजी है, लेकिन BS12810 और 12811 में क्या है थोड़ा क्रिटिकली और थोड़ा लेंदी मतलब इन लोगों ने दिखाया है। तो जो भी है आप कुछ भी अगर आप अगर वो भी नहीं है तो आप आशा का 29 CFR कोड फेडरल रजिस्ट्रेशन 1926 सब पार्ट L भी रेफर कर सकते हैं ये सब चीज़ के लिए। ये इसका मैंने कहाँ से ये लिया है क्योंकि मैं कोई भी बात है मेरे मन से बोल नहीं सकता है, तो ये इसका रेफरेंस है। तो आप जाके इसको देखना है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं या देख सकते हैं। धन्यवाद।